इंदिरा शर्मा और मैं तुझे मारूंगी। बोल अपनी किस्मत को जो तुझे थोड़ा और जीने की मोहलत दे रही है। मरना तो तुझे है इंदिरा शर्मा, लेकिन मेरे प्लान के मुताबिक, इसलिए जी ले, जी ले चंद सांसें। मेरी दिव्य दृष्टि ने उसे देख लिया है। हमारे तीसरे नेत्र ने
ये देखा है कि पंछी उड़ चुका है और उसका घोंसला मिट्टी में लिपटा जा रहा है। सविता हमेशा के लिए चांदनी चौक की गलियां छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली, कह जाती हो गुरु मां? क्या मतलब सविता मर गई? आत्मा अजर अमर होती, मृत्यु तो सिर्फ अज्ञानियों का भ्रम है। माता राम जी, आपने कोई बड़ी बात नहीं बोली है। अगर आप इतनी ज्ञानी है ना, तो फिर एक काम कीजिए, आप बताइए कि श्रीमती जी कहां है और किस हाल में। जरूर बता सकते हैं। मैं ग्रीन क्रीम चामुंडाए विच्छे, वो जीवित है। आपने कोई बड़ी बात नहीं बोल दी है और ना इसमें कोई रॉकेट साइंस है। वहां बाहर चांदनी चौक की किसी भी गली से किसी भी बच्चे को पकड़ेंगे ना और ये पूरी कहानी सुनाएंगे, तो वो एक ही बात कहेगा, जब तक सविता को इस घर के पेपर्स नहीं मिलेंगे वो श्रीमती जी को नहीं मारेगी। अरे अगर सविता सचमुच में मर गई है तो फिर इंदिरा भी तो। अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं हुआ श्रीमती जी को और मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उनको बचाने के लिए जो भी करना होगा ना मैं करूंगा, और अगर मौत आई ना सबसे पहले खुद गले लगाऊंगा उसको। इस सारे फिसाद की जड़ ये शर्मा निवास है। सविता को ये घर के पेपर्स चाहिए ना, तो मैं दूंगा, लेकिन श्रीमती जी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये शर्मा निवास के पेपर्स हैं और इसमें है ये एनओसी। इसमें साफ साफ लिखा गया है फ्यूचर में शर्मा निवास का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, ताकि श्रीमती जी को आप लोगों से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस घर से कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन कीजिए। आप बड़े अंकल, आप ही शुरू कीजिए। थैंक यू अंकल। लीजिए भाई साहब। साइन। जब घरवाली नहीं रही तो घर में क्या आश्रम खोलूंगा क्या मैं? देख बता कहां साइन करने भाई। ये और भी कहीं साइन चाहिए ना तो बता दियो, सारे ले ले साइन। थैंक यू। क्या देख रही हैं मां? लीजिए आप ही की बारी। अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है आपको? प्यारी है, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। मैं नहीं करूंगी साइन। हाँ अरे
अगर ये घर नहीं रहेगा तो फिर मेरे बुढ़ापे में मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी ना। इनका क्या, ये तो पागल है। अच्छे बुरे की समझ नहीं है इन्हें। और मुन्ना, मुन्ना का क्या, सविता तो इसी की बीवी है। अरे सविता के पास घर रहेगा तो मान लो इसी का हुआ ना, दोनों बैठकर राज करेंगे। हाँ हाय रब्बा, कहीं ये दोनों मियां बीवी ने मिलकर ये खेल तो नहीं रचा। अरे इस हरामखोर के रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हरामखोर हो सकता हूँ मैं एक मौके पर, स्वार्थी नहीं हूँ तेरी तरह मम्मी। चुप कर और शर्म कर थोड़ी। हरामखोर कह रही है मेरे को, सगा बेटा हूँ तेरा मैं, गंदी मम्मी। वाह वाह, सही कहा तुम लोगों ने। भाई मेरी बबली, तुम्हारी इंद्रा, तुम्हारी सगी बेटी, सगी बहन थी और उसके साथ तुम लोगों ने क्या व्यवहार किया वो तो भगवान ही जानता है। मैंने क्या करा यार, असल में तुम सब मेरी बबली के दुश्मन हो, कमीनों, सिर्फ पैसे और स्वार्थ के सगे हो तुम। ऋषि बेटा ये ऐसे नहीं मानेगी, वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सही कह रहे हैं अंकल जी आप, साइन कीजिए मां। ऐसे नहीं करेंगी ना। अरे क्या कर रहा है तू, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ मेरा अंगूठा, छोड़। कसूर बता मम्मी एक बात, बता जरा मेरा कसूर क्या है, मैं तो प्यार बांटता हूँ बस। मेरी पहली बीवी वो मोटी बहन सुनैना का है ना, वो छोड़ के जाती मेरे को ना, मैं दूसरी शादी करता। एक लालची बीवी गई मेरी जिंदगी से, उससे ज्यादा लालची औरत आ गई मेरी जिंदगी में। पहले वाली तो सिर्फ खाने की भूखी थी, ये दूसरे वाली ये तो असली नोट की भूखी निकली। अरे पहले वाली भैंस की तरह चरती रहती थी, कुछ टाइम भी गुजारा मेरे साथ में, फिर पैसे लेके भागी ना। ये वाली सीधा आई, एक महीना भी नहीं निकाला है मेरे साथ में यार, लूट के गई। आदमी की आबादी और बर्बादी औरत के हाथ में होती है। मैंने भी दी औरतों के हाथ में, क्या किया, बस कुएं में धक्का देने की कसर रह गई है, कुछ नहीं छोड़ा। बड़ी की शादी मैंने, नफरत हो गई शादी प्यार फेरों से मेरे को। गुरी गीला क्यों किया मेरे को, क्या दिक्कत है तेरे को? जाग जाओ, जाग जाओ, इस घर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे तीसरे नेत्र से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सविता मर चुकी है। और कोई मरा हुआ इंसान इंद्रा को वापस नहीं ला सकता। अगर आपकी तीसरी आंख सब कुछ देख सकती है तो ये भी बता दीजिए कि इंद्रा कहाँ है। मैं अपनी पूरी फोर्स लगा दूंगी। अपने पति की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलिए कहाँ इंद्रा? क्या हाल बना रखा है आपने? सब ठीक तो है ना? और कहाँ से आ रही हैं आप, ये सारे कपड़े गंदे हैं आपके। वो सविता को ढूंढते ढूंढते ये सब लग गया।
तुम्हारा आभा मंडल बहुत क्रूर और पशु जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पाप करके आई हो। होश में हो? परमात्मा की कृपा है हम पर। निद्रा में भी हमारी चेतना जागृत रहती है। हम कभी झूठ नहीं कहते। हमारी दिव्य दृष्टि हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। हम सत्य कह रहे हैं, कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा। मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। ऋषि, निकाल बाहर कीजिए इस पाखंडी को यहां से। नहीं ऋषि कुमार, जैसे इन्होंने सौतेली मामी की पोल खोली है, वैसे हो सकता है ये हमारी मम्मी के बारे में कुछ पता करे। बताओ गुरु मां आंटी, आपको कुछ दिख रहा है? मेरी मम्मी दिख रही है। ओम कालिकाय नमः। काली मां की चादर लपटी हुई है, खूब अंधेरा है, वो किसी तहखाने में है। ये बकवास की जा रही है और आप लोग सच मान रहे हैं क्या? तहखाना? अरे हाँ, मैं जानता हूँ उस तहखाने के बारे में। अरे बबली, तुझे याद होगा मैं तुझे भी उस तहखाने में ले गया हूँ। मैंने कहा था ना, इस मासूम से चेहरे के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। मुझे ढोंगी कहती है तो ठीक है, मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है। अब से 24 घंटों के अंदर अपनी सिद्धियों और शक्तियों के बल पे मैं तुझे इंदिरा का पता बताकर रहूंगी। ओम कालिकाए नमः। All the best. अगर तुमने इंदिरा को ढूंढ निकाला ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। दिन रात एक कर दिया है मैंने इंदिरा को ढूंढने में। अगर वो मिल जाएगी तो मेरे पति के चेहरे पर रौनक आ जाएगी। मेरे ऋषि से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। झूठ, पाखंड, जस्ट शट अप। मेरी भावनाओं और मेरे प्यार पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना। और अंकल जी, आप, मैं आपकी बबली नहीं, मैं जारा, जारा ऋषि कुमार। आपने बेशक इंदिरा को तहखाने के बारे में बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं। ठीक, हो सकता है मैंने बबली को बताया हो। ठीक है, बबली को बताया था मैंने, पर मैं क्या सोच रहा हूं, मैं तुम सबको तहखाना दिखाता हूं। अरे बड़ा प्यारा तहखाना है, अंग्रेजों के जमाने का है वो। हाँ